मराठी कलाकार सदा से भारतीय सिनेमा को आगे की ओर धक्का देते रहे हैं। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद एक मराठी रंगमंच के कलाकार दादा साहब फाल्के ने बनाई। पहला नेशनल अवार्ड भी मराठी फिल्म को ही मिला। मराठी कलाकारों का एक पूल रहा जिसने बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम कमाया। नाना पाटेकर, रीमा लागू, अतुल कुलकर्णी और अमृता सुभाष सरीखे समर्थ मराठी कलाकारों ने हिंदी फिल्मों में छाप छोड़ी। छाप छोड़ने से याद आया कि ऐसी तमाम फिल्में बनती हैं जिसमें हीरो के साइड किक का किरदार निभाने वाले अभिनेता भी जबर लोकप्रियता पाते हैं। संजय दत्त की मुन्ना भाई सीरीज में अरशद वारसी को ही ले लीजिए। मराठी से शुरू हुई बात साइड किक तक कैसे पहुंच गई, देख रहे हैं ना विनोद, मुद्दे को कैसे भटकाया जा रहा है। यू टर्न लेते हैं। 20वीं सदी के उतरते उतरते संजय दत्त ने 11 फ्लॉप फिल्मों के बाद एक बड़ी हिट दी, नाम था वास्तव। इस फिल्म ने संजय दत्त के करियर की धज तो सिरे से बदली ही, कुछ मराठी कलाकारों के भाग्य को भी नए सिरे से लिख दिया। मराठी फिल्मों से आए मांजरेकर ने इस फिल्म में पूरी मराठी मंडली उतार दी और सबने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी। रीमा लागू को इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में अमर कर दिया। शिवाजी साटम, नम्रता शिरोडकर के काम को भी सराहा गया। इन सब से इतर एक और मराठी अभिनेता संजय नार्वेकर को वास्तव ने एक खास पहचान दी। उनके डेढ़ फुटिया वाले रोल ने बहुत शोहरत पाई। हेलो, मेरा नाम है मेघना और आज कहां गए लोग में बात करेंगे संजय नार्वेकर। भारत चीन सीमा पर तनातनी। एक तरफ युद्ध हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, खून की होली खेली जा रही है, दूसरी तरफ एक मराठी परिवार में खुशी का माहौल है क्योंकि सिंधुदुर्ग जिले में रहने वाले उस मराठी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा गया संजय। पिता सरकारी नौकरी में थे, बच्चा बड़ा हुआ तो वही कस्बे के स्कूल में दाखिला करवा दिया। पढ़ने में खास रुचि नहीं थी, घर से कोई प्रेशर भी नहीं था, बस पास होना था। पास होते होते कॉलेज पहुंच गए। कहते हैं कि संजय को अभिनय में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, वो इसे करियर के तौर पर कभी देखते ही नहीं थे। हाँ, उन्हें नई नई चीजें करने का शौक था। कॉलेज के दिनों में उनके एक दोस्त के नाटक ग्रुप को एक्टर की जरूरत थी पर वो मिल नहीं रहा था और कुछ ही दिनों बाद इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन होना था। दोस्त ने एक्टिंग करने का आग्रह किया, संजय टाल नहीं सके। दोस्त ने उन्हें नाटक के डायरेक्टर के सामने पेश किया। डायरेक्टर चंद्रकांत पाटिल ने पूछा, बिना अभ्यास के नाटक के संवाद बोल पाओगे? संजय ने पूरे कॉन्फिडेंस कहा, जरूर बोल लूंगा। संजय को रोल मिल गया और नाटक कोलिया राजा को कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज। बहरहाल, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं। संजय नार्वेकर इस घटना को किसी दूसरी तरह बताते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले कॉलेज के दिनों में उन्होंने पाटिल जी के साथ आरण्यक किया, वहीं पर अभिनय के गुण सीखे। वो कहते हैं, हालांकि अभिनय कोई सिखा नहीं सकता, आपको बैक स्टेज और लाइटिंग सिखाई जा सकती है, एक्टिंग अंदर से आती है। संजय कॉलेज में एक के बाद एक नाटक कर रहे थे, अब सिर्फ अभिनेता के तौर पर नहीं बल्कि एक निर्देशक के तौर पर भी। इसी दौरान एक प्ले होना था जिसमें किसी गुंडे के रोल के लिए एक एक्टर की जरूरत थी। संजय कहते हैं कि उनके चेहरे पर तो गुंडा छपा ही हुआ था। चंद्रकांत पाटिल ने सिफारिश की और वो निर्देशक के पास पहुंच गए। रोल मिल भी गया, उन्हें पहली बार उस रोल में एक्टिंग करने के लिए पैसे भी मिले। शौकिया रंगमंच करने वाले संजय अब प्रोफेशनल हो चुके थे। अब मौका आया एक बड़े प्ले ऑल द बेस्ट में लीड रोल प्ले करने का। उस प्ले में तीन प्रमुख किरदार थे, एक जो बोल नहीं सकता था, दूसरा जो देख नहीं सकता था और तीसरा जो सुन नहीं सकता। संजय को वो डेफ किरदार ऑफर हुआ, संजय ने स्वीकार कर लिया। हालांकि शुरू में उन्हें इस किरदार में ढलने में परेशानी हुई। उनके साथ काम कर रहे अंकुश चौधरी, भरत जाधव कुछ न कुछ शरारती आवाज निकाल देते और स्टेज पर संजय उस आवाज को सुनने लगते। लोग कहते, ये न सुन सकने वाला शख्स सुन कैसे रहा है। आगे चलकर उन्होंने इस किरदार में खुद को ऐसा रमाया कि उसके 1000 शोज किए। इसके बाद संजय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रंगीला रंगीला रे, खेमेली, बाजीराव मस्त एमआई और अमहीलो रे जैसे ढेरों मराठी नाटकों में काम किया जो आज तक बदस्तूर जारी है। फिल्मों में संजय का पर्दापण 80 के दशक में ही हो गया था। 1987 में आई राज बब्बर नाना पाटेकर स्टारिंग अंधा युद्ध कैमरे के सामने उनका पहला डेब्यू था, पर इसके करीब 10 साल बाद तक उन्हें कोई फिल्म नहीं मिली। उनकी अगली फिल्म 1998 में आई नव साचे पोर, ये उनकी पहली मराठी फिल्म थी। बाद के दिनों में उन्होंने टेलीविजन पर काम करने का मन बनाया। 1999 में अलग अलग कहानियों पर आधारित
गुब्बारे नाम की टीवी सीरीज में काम किया। छोटे पर्दे की शुरुआत अभी हुई ही थी कि उनके एक्टिंग करियर का टर्निंग पॉइंट आ गया। 1999 में आई वास्तव ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया ही, साथ ही इसमें नार्वेकर के रोल डेढ़ फुटिया ने भी तहलका मचा दिया। इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। उसी रोल के चलते संजय आज बड़े नाम है। वास्तव का पहला शूट शेड्यूल शुरू हो चुका था। डेढ़ फुटिया के रोल में किसी को फाइनल नहीं किया गया था। शूटिंग के दौरान महेश को नार्वेकर का नाम चमका और उन्होंने बुलावा भेज दिया। नार्वेकर उनके ऑफिस पहुंचे, ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गए। दूसरे ही दिन फिल्म के सेट पर मड आइलैंड पहुंचे। जब संजय दत्त शूट पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, नार्वेकर सीढ़ियों पर एक कोने में बैठे हैं। उन्हें किसी ने कुर्सी तक नहीं दी। संजय दत्त नाराज हो गए, स्पॉट बॉय को बुलाकर उन्हें कुर्सी दिलवाई। अपने मैनेजर से कहा आगे से कभी ऐसा ना हो कि नार्वेकर को कुर्सी ना मिले। संजय दत्त नार्वेकर से मिले, उनकी ऑडिशन परफॉर्मेंस को खूब सराहा। वास्तव के बाद संजय नार्वेकर आगे ही बढ़ते चले गए। बागी, हंगामा, जोड़ी नंबर वन समेत एक के बाद एक करीब 30 फिल्में की। हिंदी फिल्मों के साथ वो मराठी फिल्मों में भी काम कर रहे थे। जहां एक तरफ बॉलीवुड में उन्हें सपोर्टिंग रोल मिल रहे थे, दूसरी ओर मराठी फिल्मों में लीड रोल मिल रहा था। इस कारण वो मराठी फिल्में करने में व्यस्त हो गए। हिंदी फिल्मों से उनकी दूरी बढ़ती ही चली गई। उन्होंने 9 महीने 9 दिवस, खबरदार, सरीवर सारी, अगबाई, अरेच्चा जैसी ढेरों सफल मराठी फिल्मों में काम किया। अगबाई अरेच्चा में उनका रोल ऑल द बेस्ट नाटक में निभाए उनके रोल से बिल्कुल उलट था। वहां किरदार को कुछ सुनाई नहीं देता था और यहाँ किरदार को मन की आवाज तक सुनाई दे जाती है। संजय नार्वेकर फिल्में करते रहे, टेलीविजन करते रहे और इसी के साथ रंगमंच भी जारी रखा। उनका मानना है कि रंगमंच अपने अभिनय कौशल को बढ़ाने और अपनी क्षमताओं को सुधारने का मौका देता है। नाटकों में एक्टिंग करना एक प्रयोग की तरह होता है। आप हर शो में कैरेक्टर के साथ खोज और प्रयोग कर सकते हैं। वो अब भी रंगमंच करते हैं। मराठी फिल्मों और सीरियल में काम करते हुए उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी दोबारा दस्तक दी है। 2020 में नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म सीरियस मैन में वो नजर आए। उनका सबसे हालिया काम है हिट द फर्स्ट केस, जिसमें संजय राजकुमार राव के साथ एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आए थे। मैं हूं मेघना, कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं जतिन। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।